अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ प्राउन्स कोकोनट करी। उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, 500 ग्राम मैंने प्राउन्स ली हूँ और ये कुछ नमक है, हल्दी है, गरम मसाले का पाउडर, धनिया जीरे का भुना हुआ पाउडर और ये साबुत मेथी के दाने हैं और राई है, वाइट वाला प्याज, लहसुन अदरक का पीस छोटे वाला और ये ग्रीन चिल्ली, एक नींबू, फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना और ये 150 ग्राम कोकोनट है फ्रेश, कोकोनट ऑयल है 70 ग्राम है ये कोकोनट ऑयल। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेट करेंगे प्राउन्स, सिर्फ सॉल्ट और हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसको। फिर मसाला रेडी करते हैं। अदरक का ये छोटे वाला पीस है, कुछ लहसुन की कलियां हैं, ग्रीन चिली ली हूँ मैंने टेस्ट के हिसाब से, फ्रेश धनिया और पुदीना और ये मेथी दाना और राई भी इसी के अंदर हम पीसेंगे। फिर ये वाइट वाला प्याज, फ्रेश कोकोनट ग्रेट किया हुआ ऐड करेंगे इसमें। पीसने के लिए थोड़ा सा पानी, अच्छे से पेस्ट बनाएंगे इसका। ये हो गया है रेडी। अब इन मसालों को हम छान लेंगे अच्छे से। बस इनके फ्लेवर यूज़ करना है हमको इस करी के अंदर। एक बार इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से छान लेंगे इन मसालों को। फिर एक पैन में मैंने 25 से 30 ग्राम कोकोनट ऑयल ली हूँ, इसमें प्राउन्स को फ्राई करेंगे हल्का। पलट कर भी फ्राई करेंगे इनको। इस तरह से ये हो गए हैं फ्राई, इनको निकाल लेते हैं। इसी पैन में बचा हुआ ऑयल डालेंगे 40 ग्राम। फिर इसमें ऐड करेंगे 4 तेज़पत्ता, थोड़ा सा करी लीव्स। मिक्स करेंगे इनको हल्का सा। फिर इनमें ऐड करना है हमें वो छना हुआ मसाला, इस तरह से मिक्स करेंगे इनको अच्छे से। फिर हल्के बॉईल के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया जीरे का पाउडर। मिक्स करेंगे। फिर बॉईल आने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम एक नींबू, एक से ज़्यादा भी नींबू आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो। तो ये अच्छे से बॉईल आ चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए प्राउन्स। आप इसके अंदर आपकी कोई भी फेवरेट फिश यूज़ कर सकते हैं, बस उसको हल्का सा फ्राई करके ऐड करना है इसमें। मिक्स करेंगे इनको प्राउन्स डालने के बाद। फिर इनको अच्छे से पकाएंगे हम। तो इसको मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट तक पकाई हूँ। तो ये रेडी हो चुका है। इस तरह से इसकी ग्रेवी भी थिक हुई है, प्राउन्स भी पक गया है।
तो इसको करेंगे हम अब टी शर्ट। इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। आप एक बार इसको ज़रूर बनाएं इसी तरह से जिस तरह से मैंने बनाई हूँ, बना के खुद भी ट्राई करें, घर में भी ट्राई कराएं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता भी सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, कुछ अलग लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।